क्या दिमाग में आया कि आप मिलने आई? और कुछ? बस कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने आई, मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी मतलब आपको थैंक यू बोलना था मुझे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं सब्सक्राइब भी कर रखा है आपका चैनल। अच्छा। और सबको करवाती भी हूँ कि हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सही है। बाहर रूम लेकर के रहना सही है? बढ़िया है। अच्छा 10-15 हज़ार आप खर्चा कर लेती है? हाँ हो जाता है। इतना ज्यादा पैसा किस पे खर्चा होता है यार? खुद पे होता है। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। तो हॉस्टल मिला या नहीं? हॉस्टल नहीं मिला। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। पीछे हमारे एक बहुत ही शानदार गेट है, आप देख सकते होंगे पूरे फ्रेम में होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इस विश्वविद्यालय में लोगों का सपना होता है कि लोग यहाँ पे आएं पढ़ें। पहला कोई चिन्ह उनके दिमाग में होता है तो ये गेट होता है कि वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जितने लोग BHU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में जा करके कुछ कमेंट करें कि वो किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितनी प्रिपरेशन, कितना उन्हें BHU चाहिए, कितना ज़रूरत है उनके लाइफ में BHU। हाँ यार आप देखते हो? हाँ मैं देखती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी गुप्ता है। लकी गुप्ता? मैं MBK की स्टूडेंट हूँ। मैं शुरू से आपके वीडियोस देखती हूँ एडमिशन लेने से पहले से ही। एडमिशन लेने से पहले ही? हाँ एस्पिरेंट लोग देखते हैं। क्या कुछ मिलता है, कुछ फ़ायदा होता है? हाँ बहुत फ़ायदा होता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए वो वीडियोस की यहाँ क्या फैसिलिटीज है इस तरह। पता है लकी एक रिव्यू मायने रखता है, शायद चलते फिरते हफ्ते में एक आध दो लोग मिलते हैं और हमें बोलते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हाँ अभी मैं देखी आपको तो अचानक से मैंने आपको देखा, मैं फिर वापस बैक आई, चलिए बात किया जाए। तो MME में किस कोर्स में एडमिशन मिला? BA Arts में। क्या क्या सब्जेक्ट है MME में, क्या मिला आपको? मुझे हिंदी ऑनर्स मिला है। एक्चुअली मुझे हिंदी ऑनर्स ही चाहिए था। हाँ। तो मुझे मेरा पहला प्रेफरेंस ही मिला है। और हाँ फिलॉसफी और HOA के साथ। कहाँ से हैं आप वैसे? मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की रहने वाली हूँ। तो हॉस्टल मिला या नहीं? हॉस्टल नहीं मिला है। हॉस्टल नहीं मिला? नहीं, जनरल कैटेगरी को हॉस्टल मिलना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़। हाँ 300 किलोमीटर्स। कितना यहाँ पे MME में बढ़िया पढ़ाई होती है? पूरे लड़कियाँ ही लड़कियाँ हमेशा रहती हैं अंदर? सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ रहती है, सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैम लोग अच्छा पढ़ाती है, काफ़ी हेल्पफुल नेचर है सब लोग का है। और ऐसा जैसे लड़कों की तरह लोग झगड़ा करते हैं वैसा कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता? कोई झगड़ा नहीं होता हम लोगों का, मतलब सब मिलजुल के रहती है, काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, बड़ी बात ये है। तो क्या दिमाग में आया कि आप मिलने आई? और कुछ? बस कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने आई, मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी मतलब हाँ आपको थैंक यू बोलना था मुझे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये रिव्यू के लिए। कुछ गलत नहीं ना पूछा मैंने? नहीं नहीं आपने कुछ गलत नहीं पूछा, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली आपको थैंक यू कहना चाहिए, हम लोग को बहुत हेल्प होता है आपके वीडियो से। हम जब BHU आए थे ना तो हमारे पता है ना कि एक्चुअली BHU में हो क्या रहा है, क्या है, सारी चीजें पता चलती है, हम लोग बता रहे हैं यार। ऐसे ही स्वास्थ्य बना रहे हमारा भी। बहुत ज्यादा क्या होता है कि वर्कलोड हमारा भी, हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, पढ़ाई भी करनी होती है अपनी, अपना भी तो एजुकेशन है। हाँ बहुत अच्छा लगता है हमें आपका काम, आपके वीडियोस, मैं सब्सक्राइब भी कर रखा है आपका चैनल। अच्छा। और सबको करवाती भी हूँ कि हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सही है। बाहर रूम लेकर के रहना सही है? बढ़िया। हाँ हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल भी सही है, वैसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इस गेट से कितना दूर पे है वैसे? इस गेट से मेरा ट्रामा सेंटर के पास है, मतलब 200 मीटर्स। कितना खर्चा पड़ जा रहा है लगी वहाँ रहने में? 6,000 हॉस्टल का फी है और बाकी का अपना जो खाना पीना हो जाता है 6,000 में? हाँ हो जाता है, और बाकी जो अपना खर्च है वो तो अलग। अपना खर्चा वैसे क्या होता है यार, कितना होता है एक लड़की खर्चा जब वो यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने आती है? एक्चुअली मतलब नॉर्मल लड़कियों का, मिडिल क्लास लड़कियों का तो खर्चा 3,000 से 4,000 तक का होता है, और बट मतलब मेरा खर्चा लगभग 10-15 तक हो जाता है। हाँ वो मेरा मतलब प्राइवेट खर्चा, अपना शॉपिंग ये वो। अच्छा 10-15 हज़ार आप खर्चा कर लेती हैं? हाँ हो जाता है। इतना ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा होता है यार? खुद पे होता है। नहीं एक्चुअली हम लोग शुरू शुरू आते हैं तो सारी चीज़ें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी अब ज़्यादा खर्चे अब नहीं होते पहले की तरह। क्या 15 से 3 हो गया है कि अभी 10?
5-6 बस। काफ़ी सर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है लेने की, हाँ, जाते हैं खरीदने, वो सब सारी चीज़ें लेने में खर्चा हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल है। एंड थैंक यू मेरी क्लास। अच्छा अच्छा लग रहा है बीएचयू, बढ़िया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलेंगे फिर से ना कभी? क्यों, ऐसे जाते क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे, तो जरूर आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हम अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और जहाँ तक आप देख रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है, लोग हमें मिल रहे हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।